स्वाति मालीवाल पर बवाल, बीजेपी वर्सेस आप। सीएम आवास पर पिटाई, दिल्ली में सियासत गरमाई। आपने लगाया बीजेपी पर षड्यंत्र का आरोप। स्वाति की पिटाई, बीजेपी को कुमार विश्वास की याद आई। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। वहीं दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में महिला सम्मान का मुद्दा गर्माता जा रहा है। पिछले 6-7 दिनों के बीच देश की जनता का ध्यान चुनाव से छोड़कर के दिल्ली में चल रहे स्वाति मालीवाल के बवाल और विभव कुमार के हमले की घटना पर टिकी हुई है। आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है, तो वहीं बीजेपी भी केजरीवाल की चुप्पी पर लगातार सवाल उठा रही है। कई दिन से चल रहे दिल्ली की राजनीति के हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच एक बार फिर से स्वाति मालीवाल ने बड़ा आरोप लगाया है। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि आरोपी बहुत शक्तिशाली आदमी है, वो चाहे मेरे खिलाफ हजारों की फौज खड़ी कर दे, लेकिन मैं इंसाफ मिलने तक अकेले सामना करूंगी। स्वाति यही नहीं रुकी, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुझे समर्थन पर निकालने की धमकी भी मिली है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे बीजेपी का नया षड्यंत्र बताया है। जब अरविंद केजरीवाल जी बेल पे बाहर आए तो भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा सकपका गई। जो दिल्ली की जनता का उनके लिए प्यार था, जिस तरह लोग भारी संख्या में सड़कों पर उमड़ के आ रहे थे उनसे मिलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके और षड्यंत्र रचने शुरू किए। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी का प्रयोग करके अरविंद केजरीवाल जी पे झूठे आरोप लगाने की कोशिश की। तो वहीं इस पिटाई कांड पर बीजेपी भी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। मालीवाल से बदसुलूकी और मारपीट मामले में बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं गोवा सीएम प्रमोद सावंत और सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो अभी आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल के साथ व्यवहार कर रही है, वैसे ही पहले कुमार विश्वास के साथ भी किया गया था। जो दिल्ली में प्रचार दौरे मुझे मिलते हैं, उन्होंने मुझे एक ही सवाल पूछा कि 9 दिन से ये जो स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ भी क्यों नहीं बात कर रहे, वो चुप क्यों बैठा है, उस किस कारण चुप बैठे हैं। उन्होंने कुछ तो इस बात पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह से जो स्वाति मालीवाल की केस में केजरीवाल जी की चुप बैठना, वो खुद सब कुछ बता देता है। और एक महत्वपूर्ण बात भी ये आई कि ये केजरीवाल जी वही व्यक्ति है ना जो कहते थे मैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा, ये सब तो इनके दावे थे। और आज हालात ये है कि मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है। मतलब ये कथनी और करनी में किसी व्यक्ति के कितना बदलाव हो सकता है कि जो कहता था दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा, वो मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज, अनइंटरप्टेड अनकट सीसीटीवी फुटेज देने की स्थिति में नहीं है। और जैसा कि अभी बताया कि स्वाति मालीवाल जी को जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया, तमाचा मारा गया, लात घूंसे मारे गए। जैसे जैसे दिल्ली में गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे दिल्ली का सियासी पारा भी हाई है। पिटाई कांड के बाद से सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली सीएम जहां इस मामले पर कुछ बोलने से बच रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इसे महिला सम्मान का मुद्दा बनाकर केजरीवाल पर हमला कर रही है। अब देखना यह होगा कि स्वाति मालीवाल और विभव कुमार के बीच चली आ रही ये जंग चुनाव में कितना असर डालेगी।